बीमारियां इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इंडस्ट्री में कई ऐसे मसीहा हैं जिनकी बीमारियों ने उन्हें तोड़ा, लेकिन वो बीमारियों को भी तोड़कर आगे बढ़ते आए। फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के बैक में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने बेड रेस्ट लिया था, लेकिन उन्होंने यह सब जानने के बावजूद कि उनकी उम्र ऐसी है, 80 साल के उम्र की होने जा रहे हैं वो, और इस उम्र में उनके लिए बैक पर इतने भारी भरकम कपड़े को पहनकर शूट करना उन्हें भारी पड़ सकता है, इसके बावजूद उन्होंने स्पाइनल टीबी को लेकर उन्होंने कभी ज्यादा प्रॉब्लम सहने के बावजूद भी इसे हल्के में लिया, और इसी कारण से ही अमिताभ बच्चन को काफी प्रॉब्लम हुई। जी हाँ, हेपेटाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस जैसी प्रॉब्लम से जूझने के बावजूद, इस तरह की बीमारियों से जूझने के बावजूद अमिताभ हमेशा एक्टिव रहे हैं, लेकिन इनका एक्टिव होने के बावजूद भी प्रॉब्लम से दूर भागना आसान नहीं रहा, और इसीलिए अमिताभ की प्रॉब्लम कई बार बढ़ी है। शॉकिंग रिवील हुआ था, सच शॉकिंग ट्रुथ सामने आया था, और वो है अमिताभ के स्पाइनल कोट के बारे में, स्पाइनल बैक प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, हेपेटाइटिस बी और ट्यूबरकुलोसिस को लेकर डिस्कशन के बीच अमिताभ बच्चन ने एक रियलिटी शो में खुलासे किए थे अपने बैक पेन को लेकर। तो यहाँ सालों तक उन्होंने सफर किया था, इसे ट्रीटमेंट भी हुआ था उनका, और इसके बावजूद स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस ने उन्हें काफी प्रॉब्लम दिया था। नॉर्मल बैक पेन उन्हें लगता था ये, लेकिन सालों तक सिटिंग चेयर को लेकर, चेयर पर बैठने की वजह से ये प्रॉब्लम उनका बढ़ता चला गया। 4 से 5 साल में उनकी प्रॉब्लम और बढ़ी, तो ट्रीटमेंट करानी पड़ी। उन्होंने कहा था, पहले साल जब मैंने केबीसी शुरू किया उस दिन से मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ, स्पाइनल टीबी पता ही नहीं था, और 3-4 साल तक वो दर्द में सहता रहा और सोचता था कि वो इस कुर्सी की वजह से हो रहा है, बट इट वॉज एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस, और डिटेक्शन इसका 4-5 साल बाद हुआ। उसके बाद मैंने इलाज किया और तब जाकर थोड़ा ठीक रहने लगा हूँ। आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम ट्यूबरकुलोसिस, इट्स बिकॉज ऑफ आई डिटेक्टेड वेल इन टाइम एंड गॉट इट ट्रीटेड। अगर समय से वो ट्रीट नहीं करते तो वो बहुत विकराल रूप ले लेता। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से जब तक।